आपके पास कितना भी पैसा हो फिर भी उस पैसों से सच्चा प्यार नहीं पा सकते। मुसीबत के वक्त कौन क्या है यह हमें पता चल जाता है। इसी थीम पर बेस्ड आज मैं आपको अवे की 2007 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग के बाद मूवी जो टर्न लेती है इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है हर साल ऑपरेशन के वक्त 21 मिलियन लोगों को एनेस्थेसिया दिया जाता है, इनमें से सिर्फ 30,000 लोगों को ये सूट नहीं होता। ऑपरेशन के वक्त वो सो नहीं पाते और ये बहुत ही दर्दनाक होता है। इनके हाथ पैर पैरालाइज्ड होते हैं, ये पेन महसूस करते हैं पर कुछ भी कर नहीं पाते। इसके बाद हमें डॉक्टर जैक दिखाया जाता है। जैक हमें बता रहा था कि जब आपकी डेथ आनी हो वो आ ही जाती है, आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन में लॉस्ट किया है, पर आज पहली बार मेरे फ्रेंड को मैंने खो दिया। उसके फ्रेंड का नाम है क्ले। वो कहता है क्ले जब आज सुबह उठा तो किसके बारे में सोच रहा होगा। उसे लगता है कि सैम के बारे में सोच रहा होगा। सैम एक क्ले की गर्लफ्रेंड थी। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्ले अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ रह रहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सीरियस है और क्ले को अब सब कुछ चीजें अपनी मदर को बतानी है। एक्चुअल में सैम एक क्ले की मदर के लिए काम करती है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था। उसकी मदर को उनकी रिलेशनशिप गलत लग सकती है। वो आज उसे बताने के लिए बहुत ही डर रहा था। सैम ने क्ले को काम पर छोड़ दिया। वो कहती है तुम एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करते हो। क्ले उसे कहता है आज मैं मदर को बता ही दूंगा। आज क्ले की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो इसके लिए जरा डर रहा था। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड जैक से बात करता है। ये वही डॉक्टर है जो हमें स्टोरी बता रहा था। वो कह रहा था कि मैं कभी भी अपने फादर की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। जैक ने उसे कहा तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद क्ले जैक के साथ हॉस्पिटल में आया। जैक कहता है ऑपरेशन में बहुत सारे एरर हो सकते हैं। जनरली लोग डॉक्टर को ही ब्लेम करना पसंद करते हैं। क्ले का एक ऑपरेशन होने वाला था, तो इसके प्रोसीजर जैक उसे बता रहा था। एक्चुअल में क्ले का हार्ट बहुत ही वीक है, तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ने वाली है। वो अभी वेटिंग लिस्ट में है। जब उसे हार्ट मिल जाएगा तभी तुरंत उसकी सर्जरी हो जाएगी। क्ले अपने फ्रेंड पर बहुत ट्रस्ट करता है, तो उसी से हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने वाला था। जैक ने क्ले को समझाया तुम्हारा ऑपरेशन बहुत ही डेंजरस है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना होगा तो अभी कर डालो। जिसे तुम प्यार करते हो उसे बता दो कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, शायद इसके बाद तुम्हें कोई भी मौका ना मिले। जैक से मिलने के बाद क्ले अपनी मदर से मिला। उसका नाम है लिलित। आज लिलित के साथ एक बहुत ही बड़े सर्जन थे, उनका नाम था डॉक्टर जॉनाथन। जॉनाथन ने बड़े बड़े टीवी एक्टर्स का भी ट्रांसप्लांट किया था। लिलित चाहती थी कि क्ले का ऑपरेशन एक बेस्ट डॉक्टर से ही हो, पर क्ले अपने फ्रेंड पर बहुत ट्रस्ट करता है। रात में क्ले ने अपने ऑफिस के पार्टी पर जापानीज कंपनी से बात की। वो उनसे कहता है मेरा हार्ट वीक है पर मेरा दिमाग तेज है, मैं आपको कोई भी नुकसान होने नहीं दूंगा। उसका कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, ये सब देखकर ही कंपनी अब उसके साथ डील करने के लिए रेडी थी। उसकी मदर उस पर बहुत ही प्राउड है। क्ले ने नोटिस किया था कि शायद लिलित जॉनाथन को पसंद करती है, तो उसके बारे में उसे वो बात करता है। लिलित ने कहा तुम्हारे फादर के जाने के बाद मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। जब फादर की डेथ हुई थी तो क्ले बहुत ही छोटा था, तो लिलित ने पूछा कि अपने फादर के बारे में तुम कुछ जानते हो। क्ले कहता है कि मुझे उनकी डेथ याद है, उनकी स्माइल याद है। उसे अपने फादर के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उसके फादर बिजनेस में बहुत ही बेस्ट है और कभी भी उनकी जगह नहीं ले सकता। यही बार हम देखते हैं सैम लिलित को उसके अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताने के लिए आई हुई थी। क्ले ने अब तक अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया, तो इस वजह से सैम गुस्सा होकर वहां से जा रही थी। क्ले उसके पीछे पीछे आया, कहता है कि मेरे साथ चलो। जाकर उसने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया। लिलित इन पर गुस्सा होगी, कहती है सैम एक लायर है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसने क्ले को समझाने की कोशिश की पर क्ले मान नहीं रहा था। लिलित कहती है तुम उसे चुन सकते हो या मुझे। क्ले कहता है कि ऐसा अल्टीमेटम देना गलत है, और वो सैम के साथ यहाँ से चला गया। सैम को इस झगड़े की वजह से बुरा लगता है। क्ले ने कहा कि कभी ना कभी तो होना ही था। उसने अभी सैम को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया। वो आज रात ही उसे शादी करना चाहता था। वो अपने फ्रेंड जैक को बुलाता है और जल्दी से जाकर शादी कर लेते हैं। आज ये दोनों बहुत खुश थे। ये इंटीमेट होने वाले थे तभी क्ले को मैसेज आ जाता है। क्ले की सर्जरी के लिए जिस हार्ट का वेट कर रहे थे ये फाइनली उन्हें मिल चुका है। ये जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच गए। जैक सारे डॉक्टर से क्ले को मिलवाता है। लिलित को भी नोटिफिकेशन आ गया था, तो वो भी यहाँ पर पहुंच गई थी। वो फिर से क्ले को समझाने की कोशिश करती है कि जॉनाथन बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, तुम्हें उनसे ही ऑपरेशन करवाना चाहिए,
पर क्ले इस बात के लिए नहीं मानता। क्ले ऑपरेशन के लिए रेडी हुआ। सैम कहती है, जल्दी से वापस आ जाओ, हम हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। ये दोनों इसके लिए बहुत खुश थे। वेटिंग रूम में लिलित अब भी सैम से बात नहीं कर रही थी। वो वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने की कोशिश करती है तो सैम ने कहा कि कभी कभी आपको जरा वेट करना पड़ता है। ये मशीन जरा फॉल्टी था। सब डॉक्टर मिलकर ऑपरेशन के लिए रेडी होने लग गए। तभी वहां पर लैरी नाम का डॉक्टर आता है। आज रात ऑपरेशन के लिए कोई और डॉक्टर आने वाला था, पर उसकी जगह पर लैरी आ गया। इससे सब डॉक्टर्स डर गए। जैक सबसे कहता है, सिर्फ खिलाड़ी चेंज हो गया है, प्लान अब भी वही है। ये ऑपरेशन करना कंटिन्यू करते हैं। जैक ने क्ले से कहा कि अब मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दूंगा, तुम सो जाओगे, कुछ भी कर नहीं पाओगे। इस नींद को तुम एंजॉय करना, तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा। एनेस्थीसिया देने के बाद क्ले को नींद आने लग गई। वो अपने सपने में सैम को देखने लग गया। अचानक से ऑपरेशन में जो भी हो रहा था, ये सारी चीजें उसे फील होने लग गई। जैसे कि हमें मूवी के फर्स्ट में बताया गया था, कभी कभी एनेस्थीसिया काम नहीं करता। लोग पूरी तरीके से पैरालाइज्ड होते हैं, पर फिर भी सारी चीजें महसूस कर पाते हैं। अब क्ले ऑपरेशन की छोटी छोटी चीजें महसूस कर रहा था। वो चिल्ला कर जैक को बताने की कोशिश करता है कि अब सब कुछ वो फील कर रहा है, पर कुछ भी कर नहीं पाता। उसकी आंख बंद थी और सबको लग रहा था कि वो डीप स्लीप में है। जैक फिर उसे कट करना स्टार्ट करता है। उसे बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हो रहा था, पर वो कुछ भी कर नहीं पाया। उसने अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सैम के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर तो रिलैक्स रहा, पर बाद में उसे अपने फादर की डेथ याद आने लग जाती है। उसे बहुत सारी रैंडम सी मेमोरीज याद आती है। तो उसमें सैम से फर्स्ट टाइम कैसे मिला था, ये भी उसे याद आता है। सैम क्ले के लिए क्यूरियस थे तो उसके रूम में आ गई थी, उसकी सारी चीजें देख रही थी। क्ले ने उसे पकड़ लिया था और इसी तरीके से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। इनकी फर्स्ट डेट पर सैम क्ले को ब्रुकलिन लेकर गई थी। क्ले बहुत ही ज्यादा अमीर है तो कभी भी उसने ब्रुकलिन को देखा नहीं था। इसके पैरेलल में हम देखते हैं कि सैम और लिली जब वेट कर रहे थे तो सैम के पास एक डॉक्टर आया। वो उसे पूछता है कि मैंने यहाँ पहले तुम्हें कभी देखा है। सैम ने उसे अपनी रिंग दिखाई तो वहां से वो चला जाता है। लिलित नोटिस करती है कि सैम ने दो रिंग्स पहनी है। उसे पता चला सैम और क्ले ने आज रात ही शादी की थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। सैम की पर्स नीचे गिर गई तो उसमें क्ले की सब मेडिसिन रखी हुई थी। वो हमेशा क्ले का ख्याल रखती थी। ये लिलित ने देखा और वो रियलाइज कर दिया कि सैम भी क्ले से बहुत प्यार कर दिया, उसके लिए केयर कर दिया, तो अब वो जरा रिलैक्स थी। लिलित ने कहा कि क्ले को अलग अलग एलर्जीज है, पर सैम को इसके बारे में पता था। लिलित सिर्फ सैम के लिए वरीड थी। सैम आकर उसे गले लगा लेती है। फिर से हमें क्ले का ऑपरेशन दिखाया जाता है। डॉक्टर लैरी जरा ब्रेक के लिए यहाँ से चला गया तो सारे डॉक्टर्स मिलकर डिस्कस करने लगते हैं। इनमें से एक डॉक्टर पटनम ने कहा कि अब हमारे प्लान का क्या, लैरी हम पर नजर रख रहा है। जैक कहता है कि लैरी ड्रंक है, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। अब ब्रेक के वक्त भी वो दारू पी रहा होगा। इनका प्लान था कि क्ले को इस ऑपरेशन में वो मार डालेंगे और इसी प्लान को कंटिन्यू करने वाले थे। इस सब बातें क्ले सुन रहा था, इससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो उठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे लगा कि वो उठ चुका है, पर वो वही बेड पर पड़ा हुआ था। उसी के माइंड में अलग अलग जगह पर वो घूम रहा है। लैरी जब बाहर आया तो सैम उसे बात करती है, कहती कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। लैरी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, पर सैम नोटिस करती है कि लैरी ड्रंक है। उसने उससे कहा कि तुम यहाँ पर काम नहीं करते, वहां अंदर चल क्या रहा है, ये देखने के लिए सैम ऑपरेशन थिएटर में आके। सैम ने जैक से पूछा कि लैरी यहाँ पर कैसे है, उसकी जगह पर तो कोई और आने वाला था। पटनम उसे कहता है कि लैरी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। इसका मतलब है सैम भी इनके प्लान में शामिल थी। क्ले से तो उसकी मैरिज हो गई है, तो उसके मर जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलने वाली है, तो उसी ने यह सब प्लान बनाया हुआ था। जैक को रियलाइज हुआ था कि क्ले के साथ जो वो कर रहा है ये बहुत ही गलत है। वो डर रहा था और अब ये ऑपरेशन वो कंप्लीट नहीं करने वाला था। सैम उसे समझाती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ भी शक नहीं होगा, जो हमने स्टार्ट किया है वो फिनिश करते हैं। क्ले सारी चीजों को लेकर सोचने लग गया। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे याद आता है कि जैक के ऑफिस में उसने सैम का फोटो देखा था। पहले सैम और जैक ये दोनों एक साथ ही काम करते थे। क्ले को फंसाने के लिए सैम ने अपना नाम चेंज कर लिया। सारी आइडेंटिटी चेंज कर वो लिलित की यहाँ पर काम करने लग गए। सैम जैक को समझा रही थी कि हमें पूरी लाइफ में अब काम नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से इस ऑपरेशन को हम खत्म करते हैं। ये सब सुनने के बाद क्ले को बहुत बुरा लगा। वो अनकॉन्शियस था, फिर भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैक क्ले का हार्ट बदल देता है और इस हार्ट को बंद करने के लिए एक इंजेक्शन उसे इंजेक्ट करना था। ये जैक को करना सही नहीं लगता, वो डर रहा था, तो सैम खुद इंजेक्शन हाथ में लेकर क्ले को दे देती है।
क्ले के अपने प्यार के हाथों ही डेथ हो गई। सैम को उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। जब वो वापस लिलित के पास आए तो कहते थे कि ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ ठीक है। लिलित को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब तक डॉक्टर को आ जाना चाहिए था। सैम उसे कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्ले को कुछ भी नहीं होगा। उसके पास जीने के लिए बहुत सारे रीजंस है। फिर से हम क्ले का सबकॉन्शियस देखते हैं और वो बहुत सैड था। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्ले का सबकॉन्शियस घर आता है, अपनी डेथ का वेट करता है। लैरी जब उन्हें ब्रेक से वापस आया तो जैक इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि क्ले का हार्ट खराब था, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद जैक जाकर लिलित को बता देता है कि क्ले का हार्ट सही नहीं था, उसकी डेथ हो गई है। लिलित उस पर बहुत गुस्सा हो गई, कहती कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। डॉक्टर लैरी लिलित के पास आए, कहते हैं हमें आपकी परमिशन चाहिए, क्ले को हमें बाईपास से निकालना है। लिलित पूछती कि इसका क्या मतलब। लैरी ने कहा कि क्ले अब भी जिंदा है पर उसके पास हार्ट नहीं है, वो सिर्फ मशीन के सहारे जी रहा है, वो इस तरीके से हमेशा नहीं जी सकता। लिलित ने कहा कि फिर उसके लिए अलग हार्ट लेकर आ। लैरी कहता है इस तरीके से इजीली हार्ट नहीं मिलता, वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लिलित कहती कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, सब लोगों को उसने बाहर निकाल दिया। वो एक जगह पर बैठी और उसके पास जो भी गोलियां थी ये सारी गोलियां उसने ले ली, उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्ले के सब कॉन्शियस में लिलित भी उसके पास आ चुकी है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे। लिलित ने सुसाइड करने से पहले जोनाथन को कॉल कर दिया था तो उसकी सारी टीम यहाँ पर पहुंच जाती है, लिलित अपना हार्ट क्ले को दे सके, इसी वजह से उसने ये सब किया हुआ था। जल्दी से जोनाथन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाता है। जोनाथन यहाँ पर पहुंचने के बाद सब कुछ समझ चुका था कि जैक ने किया क्या है। जैक के साथ जो भी डॉक्टर है ये जल्दी से डर कर वहां से भागने लग जाते हैं। फिर से हमें क्ले का सबकॉन्शियस दिखाया जाता है। क्ले मदर से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, क्या आपको सब कुछ पता था। मदर कहती कि पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर सैम ने जब वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने में मेरी हेल्प की तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पर काम करती थी। मैंने उसकी बैग चेक की तो मुझे उसके मेल्स मिले, उससे ये चीज़ कन्फर्म हो गई। जब मुझे तुम्हारी डेथ के बारे में पता चला तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स भाग रहे थे पर लैरी ने पुलिस को बुला लिया। लिलित का हार्ट निकालकर क्ले का ट्रांसप्लांट हो रहा था। जैक सैम को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है, कहता है कि हम जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। सैम ने कहा कि मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं अब भी क्ले की वाइफ हूँ, हमने क्या किया इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। वो जैक को लॉक कर जा रही थी तो जैक कहता है जो सिरिंज तुमने क्ले को दी थी उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, तुम्हें बच नहीं सकती। सैम को पछता होने लग गया, वो जैक के साथ जाना चाहती थी पर जैक अब यहाँ से नहीं जाना चाहता। उसे पता है कि उसने बहुत गलत किया और इसकी सजा वो भुगतने वाला है। सैम को पुलिस पकड़ लेते हैं। हम फिर से क्ले का सबकॉन्शियस देखते हैं। क्ले अपनी मदर से कहता है कि अब मैं अगर जिंदा भी रहा तो मेरे लिए उस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, वो अब मरना चाहता था। ऑपरेशन के वक्त क्ले का ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अगर पेशेंट को जिंदा रहने की चाहत ना हो तो ऑपरेशन फेल हो सकता है, पेशेंट का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर ने क्ले से कहा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम अकेले सब कुछ कर सकते हो। क्ले ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की पर मेरे फादर की तरह मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मदर कहती कि तुम्हारे फादर सिर्फ बिजनेस में सक्सेसफुल थे, एज अ पर्सन वो इतने अच्छे नहीं थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी इसके बारे में मदर ने क्ले से कहा। उस रात उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था, फादर ने मदर को भी मारा था। गुस्सा होकर वो क्ले को भी मारने वाले थे तभी मदर ने एक रॉड लेकर उन्हें मार दिया। वो ऊपर के फ्लोर पर थे और वहां से नीचे गिर गए थे तो सबको लगा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। क्ले उस वक्त बहुत ही छोटा था, उसने सब कुछ देखा था पर उस बात को भूल चुका है। लिलित कहती है मैं तुम्हारे फादर के बारे में सिर्फ तुम्हें पॉजिटिव चीजें ही बताती थी, तुम तुम्हारे फादर से बहुत बेटर हो, तुम्हें अब अपनी जिंदगी के लिए लड़ना है। क्ले भी अपनी मदर की विश मान लेता है और वो भी अब जीना चाहता था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और अब वो होश में आ जाता है। जैक जो हमें स्टोरी बता रहा था तो हमसे कहता है हम सब लोगों ने बहुत गलत किया, हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्ले जिंदा है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। एक माँ का प्यार क्या होता है ये मूवी हमें सिखा कर जाती है। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।